अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम जा रहे हैं एक जगह पर, मैं जा रही हूँ एक शख्स को ढूंढने जो कि मुझसे तकरीबन 9 साल पहले बिछड़ गए थे। बिछड़ यूँ गए थे कि मेरे पास उनका नंबर था, नंबर मुझसे कहीं मिसिंग हो गया और अब उनका घर का मुझे एड्रेस थोड़ा थोड़ा पता है, फुल नहीं पता। तो मैं आईडिया से जा रही हूँ और देखती हूँ कि मुझे वो मिलते हैं या नहीं, उनका घर मिलता है या नहीं और वो हयात भी हैं या नहीं। ये बड़ी बात है। कहाँ जा रहे हैं हम, तुम बताओ कहाँ जाना, चलना नहीं है? मैं क्यों बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो चले अब तैयार हो जाए, जल्दी निकलो भाई। चल चल के पाओ का भाषण बुरा हो गया, अब तो चला भी नहीं जा रहा मुझसे। आप तो फिर स्मार्ट हैं, मोरनी की तरह पाँव रख रख के चलती हैं। बस चलते हैं, मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं थक गई हूँ, मेरा सांस भी फूल गया और अब मुझे प्यास भी लगी हुई है। गुफ्ता पर मैं तो टर टर के थक गई, मेरा हाँ बहुत गया। मुल्तान के आसपास के इलाकों के, देही इलाकों के, शहरों के लोग तकरीबन इस चेज़ अप स्टोर से शॉपिंग करते हैं, यहाँ से तकरीबन हर चीज़ मिलता है। आपका क्या स्नैपचैट हो या कुछ भी हो, 7519ANR हरेसमेंट कर रहे हैं ये बदतमीज़ लड़के। हाय, अभी भी मेट्रो स्टेशन इतना दूर है, मैं थक गई चल चल के। आप थकी हैं? नहीं। आप तो नहीं थकती। पानी पी लो। हाँ, फाइनली पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन। उतनी सारी वो सीढ़ियाँ उतार के आई, अभी इतनी सारी ये। हमने इस तरफ जाना है, उधर नहीं जाना। हाँ, वो उस तरफ जो स्टेशन के इसके साथ बिल्कुल गली है ना, वहाँ जाना है हमने। ये फैज मेडिकल हॉल वाली गली है। ये है साइबर क्राइम वालों का ऑफिस। अब मुझे किसी ने तंग किया ना तो मैं यहाँ आके क्या कहते हैं उसको दरख्वास्त दे दूंगी। हमारा आज बड़ा फिल्मी सा सीन है, हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं जो हमसे 9 साल पहले बिछड़ गया था। हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है, घर का पूरा एड्रेस भी नहीं है और हम यहाँ लोगों से पूछते फिर रहे हैं। जिसे भी पूछते वो हंसते, वो कहते हैं ये तो बड़ा फिल्मी सीन हो गया आपके पास, आपके साथ कि आप 9 साल पुराना बंदा ढूंढ रहे हैं। कहते हैं आपके पास कोई तस्वीर है उस बंदे की? मैंने कहा नहीं, तस्वीर नहीं है। कहते नहीं, आप ना तस्वीर उठा के फिर यूँ एक एक को दिखाएं फिल्मों की तरह कि ये बंदा आपने देखा। चल चल के मेरे पांव स्वेल कर गए, अल्लाह। ढूंढ के हम थक गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। अब जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनके एक दोस्त हैं, उनकी शॉप है एक मार्केट में, तो अब हम वहां जा रहे हैं। और अगर मार्केट में उनके उस दोस्त की शॉप मौजूद है तो उस दोस्त से बात करेंगे कि हमें प्लीज़ जिन साहब को हम ढूँढ रहे हैं उनसे हमारी बात करवा दें, या नंबर दे दें या कुछ एड्रेस दे दें। आप थकी हैं? नहीं थके नहीं, बस टेंशन है कि मिल जाता था। हाँ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, जिंदगी बहुत क्या काम कर रहे हैं आप, सही सी बात है। ज़िंदगी ना बहुत थकाव देने वाली चीज़, यकीन करें। ज़िंदगी हर कदम पर एक नई जंग है और ये जंग तब मुश्किल तरीन हो जाती है जब कोई आपकी हेल्प नहीं करता। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए बनाया था और रिश्ते तो स्पेशली अल्लाह ने बनाए इसीलिए थे कि रिश्ते एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को मजबूत करेंगे। तो आजकल ये सोच ख़त्म हो गई है कि दूसरों को सपोर्ट करें, इसी वजह से हर शख्स अपनी जंग अलग अलग लड़ रहा है और हर शख्स ये जंग हार रहा है, जीत कोई नहीं पा रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं ये जंग लड़ूंगी भी सही और इंशाल्लाह जीत के भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आए हैं उनके जो शॉप वाले दोस्त हैं, वो होते हैं लाहौर में। यहाँ पर उन्होंने अपना मुलाजिम बिठा रखे हैं, तो अब उनके मुलाजिम से हमने शॉपकीपर का नंबर लिया है। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, कहीं से बैलेंस डलवाते हैं, शॉप वाले को फ़ोन करते हैं और उनसे फिर उन शख्स का एड्रेस लेते हैं जिसको मैं ढूंढती फिर रही हूँ। इतना मुश्किल हो गया एक बंदे को ढूंढना, मैंने तो सुना था दुनिया गोल है, आसानी से बंदे मिल जाते, पर मुझे तो नहीं मिल रहा। आई हूँ, मेरी बेटी नाच रही है, मुझे लगा मेरी बेटी रो रही होगी मम्मी की याद में। आज मैं क्या देख रही हूँ, माशाल्लाह सर की पीट रही हूँ। खैर है,
माशाल्लाह मम्मी आपके बगैर गई थी, पता है सैर सपाटे कर गए इतने सारे। इतनी ज़्यादा भाग दौड़ और सारी कोशिशें राय गांव गई। 9 साल पहले हमारा इनसे कॉन्टैक्ट था, उसके बाद इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहा। और सुनने में ये भी आया था कि ये दुबई शिफ्ट कर गए थे और इनका नंबर हमारे पास था तो वो मिसिंग हो गया। अब हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो हमें नहीं मिले, क्योंकि अगर वो हमें मिल जाते तो मैं उनसे अपना चैनल प्रमोट करवाती और चैनल प्रमोशन से ये होता कि हमारे हालात थोड़े अच्छे हो जाते। उनके चैनल पे हमने उन्हें काफ़ी सारे मैसेजेस किए हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी मैसेजेस किए हैं। देखते हैं वो कब उन मैसेजेस को सीन करते हैं और हमें रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो हम उनको नहीं ढूंढ सके। तो ये था आज का व्लॉग। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि मुझे जल्दी मिल जाए ताकि वो मेरा चैनल प्रमोट करें। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।